आप देख सकते हैं गाइस, ट्रेन आ चुकी है। गेहूं का खेत दिख रहा है, डुबोते रहेंगे। चाय की चुस्की ले जाए। हेलो गाइस, नमस्कार। तो मैं हूं अभी पाटलिपुत्र स्टेशन पर और यहां से हम अभी जाने वाले हैं दिल्ली। राजधानी ट्रेन है, अभी उसकी टाइमिंग है 9:40 और अभी आने में टाइम है 1 घंटा, लगभग 1.5 घंटा है। तो हम लोग पहले ही आ चुके हैं क्योंकि दूर था आने के लिए, मतलब 7 किलोमीटर लगभग दूर से हम लोग आए हैं। और मेरे प्लेटफॉर्म पर मैं दूसरी बार आया हूँ, ये तो पहली बार आई है और काफ़ी खाली खाली लग रहा है यहाँ, मतलब बहुत यहाँ पीछे देख सकते हैं काफ़ी से सामने वाले प्लेटफॉर्म पर भी लोग दिख नहीं रहा है ज़्यादा, बहुत कम। और दूसरा ये कि अभी मच्छर काफ़ी काट रहा है, ये इधर आसपास देखिए घूमते हुए दिख भी जाएगा। अभी हम लोग बैठे हुए कितना 2-4 मिनट हुआ, 2-4 मिनट में मच्छर बहुत आ गया। लेकिन साफ़ सुथरा ये प्लेटफॉर्म है, स्टेशन भी साफ़ सुथरा था। बाहर तो वैसे दिखाया नहीं कि चला आया कि यहाँ पे, बात यह है कि ये बहुत साइड में है, पटना में साइड में है। तो रात का समय है, चोर चारी ज़्यादा रहता है, आपको पता ही है बिहार है। तो फिर कौन रिक्शा लेने जाएगी, पता चला कौन फ़ोन ले जाएगी, घींच के भाग गया तो फिर होगी ब्लॉग बनते रह जाएंगे। इसीलिए मैं प्लेटफॉर्म पर आने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये है 1 नंबर प्लेटफॉर्म। तो गाइस, हमारी जर्नी कैसी रह रही है तो हमारे साथ बने रहिएगा। और ये मच्छरों को हाँक रही है जो रिकॉर्ड कर रही है, इसको कितना मच्छर काट रहा है, काफ़ी मच्छर है। देखिए ऐसे ऐसे हाँक रही है चारों तरफ से कि मच्छर, इधर एक बार खड़े होकर मैं दिखाता हूँ। देखिए काफ़ी सफाई है इधर, ये देखिए ये सामने वाला प्लेटफॉर्म, ये 2 नंबर 3 नंबर हो गया आगे, और यहाँ देखिए आगे तक पूरा आप देख सकते हैं। ये पटना के चूँकि साइड में है, एकदम साइड में, नदी पार करने के बाद जस्ट, नदी जब पार करते हैं जस्ट बाद में है ये। आप देख सकते हैं गाइस, ट्रेन आ चुकी है, धीरे धीरे स्लो हो रही है, उसके बाद हम बैठेंगे। तो गाइस ये रहा बी4, लोग इसी में चढ़ेंगे। तो गाइस हम अंदर बैठ चुके हैं ट्रेन के अंदर, और ये है और ऊपर में है ये दूसरा हमारा सीट मिडिल और अपर। और अभी थोड़ी देर में हमारा डिनर आने वाला है, डिनर करेंगे, उसके बाद दिखाऊंगा मैं क्या है डिनर में। वैसे डिनर तो बुक है, मतलब इसके टिकट के साथ में, फिर देखते हैं स्वाद इसका टेस्ट कैसा है। वैसे ज़्यादातर मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ट्रेन की जो भी फूड होता है वो मतलब उतना अच्छा नहीं होता है, तो आज का देखते हैं कैसा रहता है। तो गाइस हमारा डिनर आ चुका है, आप देख सकते हैं, तो दिखाता हूँ क्या क्या है। बाकी बोलते हैं छोटे छोटे डिबिया है, ये देखिए आलू फ्राई है, स्वीट हो गया, चावल हो गया, ये दाल है, चिकन छोटा सा पीस है, और ये चावल दाल बच्चे मुर्गी का पीस है और ये दही है, सब सब इसी में। मेरे में ये मैं शाकाहारी लिया तो शाकाहारी भी ये रहा। ये देखिए ये पराठा निकाली, पराठा का साइज बताओ ऊपर, नॉर्मल साइज। ये देखिए आलू पराठा नहीं, सिंपल पराठा है। हाँ चलिए दो पराठा, ठीक है खाते हैं। खाना खा लिया और रात में 10 बजे है, तो अपना बेड लगाऊंगा उसके बाद सो जाऊंगा। तो दिखाता हूँ, ये देखिए ये इसमें एक तौलिया है छोटा सा, और ये कंबल है ब्लैक वाला ब्लैंकेट, और दो ये जो रेलवे वाला होता है, साफ़ कितना है पता नहीं, ये तो साफ नहीं दिख रहा है, ये तो देखिए ये लगा हुआ है, तो इसको मैं चेंज करूँगा। बाकी इसको बिछा लेता हूँ उसके बाद सोते हैं। तो गाइस आज का गुड नाइट, मिलते हैं। सुबह हो गई है, गुड मॉर्निंग। और देखिए मैंने ब्रश कर लिया, ये चाय आ चुका है, एक छोटा सा बिस्किट है, ये दूध का पैकेट हो गया, ये चाय हो गया, चीनी, और इसे ऐसे से घुमाने के लिए सूखा जो पाउडर होता है इसे डालेंगे पूरा। ये रहा चाय पत्ती,
डाल दिया। ये रहा शुगर जो कि मैं पूरा डाल रहा हूँ, थोड़ा मिठाई से ही तो शुगर डाल दिया गाइज। और इसे अब डुबोते रहेंगे, चाय हमारा तैयार हो जाएगा तब तक थोड़ी देर में। इसमें से निकली पतली सी ये बिस्कुट किट, इसे चाय में डुबो के टेस्ट करता हूँ कैसा है। चाय की चुस्की ले जाए, ठीक है। पता है इसका स्वाद थोड़ा है ना, ग्रीन टी होता है ना उस तरह से आ रहा है, या ब्लैक टी उसी की तरह है। तो गाइस देखिए इधर काफ़ी स्लो चल रही है ट्रेन, आप देख सकते हैं बाहर गेहूं का खेत दिख रहा है जो पक चुकी है पूरी तरह से, और अभी ट्रेन काफ़ी स्लो चल रही है। और कहाँ है ये तो पता नहीं मेरे को, क्योंकि नेट ज़्यादा तेज़ काम नहीं कर रहा है कि मैं सर्च कर पाऊँ। अभी काफ़ी स्लो चल रहा है नेट भी मेरा और ट्रेन भी। देखिए इधर गेहूं कट भी गया है, इधर दूर गांव दिख रहा है। देखिए। तो गाइस मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है, आप देख सकते हैं ब्रेड है इसमें और इसमें ऑमलेट है, ये बटर हो गया, सॉस हो गया और ये छोटा सा जूस। तो गाइस मैंने एक ब्रेड पर थोड़ा सॉस डाला और थोड़ा सा इसमें ऑमलेट का टुकड़ा डाला और ऐसे करके खाऊंगा। मैंने ये दोनों छोड़ दिया क्योंकि काफ़ी इसमें फैट होता है, तो आज इसे रहने नहीं देता हूँ। शुगर भी नहीं लूँगा, इसमें भी वाइट शुगर में काफ़ी फैट होता है। तो ये टेस्ट किया जाए कैसा है। टेस्ट सही है और सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी सही है, जो भी मतलब फूड है इस राजधानी ट्रेन का। मैंने टिकट के साथ ही बुक करवा दिया था, उसे साथ ऐड करवा दिया था, तो उसमें टाइम टू टाइम ला के पहुँचा जा रहे हैं। तो इस मामले में इस ट्रेन की सर्विस सही है मेरे को लग रहा है, और इसमें जो खाने की क्वालिटी भी है वो भी सही है। तो आप राजधानी में अगर जा रहे हैं कभी भी तो ये सब प्रेफर कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। धूप भी अच्छी हुई है, बादल दिख रहे हैं हल्के आसमान में, लेकिन धूप भी है अच्छी खास। फाइनली हम लोग दिल्ली स्टेशन पर पहुंच गए, और ये जर्नी का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।